इनर बहेल क्लब हमीरपुर ने कोविड 19 में समर्पण से काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CMO डॉक्टर अर्चना सोनी द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान इनर बहेल क्लब हमीरपुर ने स्वास्थ्य विभाग के अलावा हमीरपुर पुलिस को भी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया। इनर बहेल क्लब हमीरपुर की अध्यक्ष डॉक्टर शोभा ठाकुर की देखरेख में क्लब की सचिव शिवानी मुकेश कतना, मीना चोपड़ा, डॉक्टर परिमा और मनोरमा की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की CMO डॉक्टर अर्चना सोनी, BMO टोनी देवी, डॉक्टर RK अग्निहोत्री, BMO बर्डसर डॉक्टर नरेश, BMO गलोड डॉक्टर सुनील गौतम, BMO भोरंज डॉक्टर ललित कालिया, BMO सुजानपुर डॉक्टर रमेश डोगरा, BMO नादौन डॉक्टर अशोक कौशल, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमेश रतु, डॉक्टर अरविंद कौंडल, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर RP नरोत्रा, डॉक्टर अभिषेक मौदगिल, जिला जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला, डॉक्टर आशीष आदि को सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर संजीव गौतम, सब इंस्पेक्टर त्रिलोक, हेड कांस्टेबल सुनील और गुरदेव को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की CMO डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है कि टीवी में पूरे हिमाचल में हमीरपुर पहले स्थान पर है, जबकि पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि टीवी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री ने 2025 तक लक्ष्य रखा है कि देश को टीवी मुक्त बनाना है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के भरसक प्रयासों से 2021 तक लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश को टीवी मुक्त करना है, उसको लेकर प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से पैरामीटर्स सेट किए गए थे कि किन किन पैरामीटर्स पर काम करना है। उन पैरामीटर्स पर काम करते हुए पूरे हिमाचल को पहला स्थान हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि 884 केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट काफी अच्छा है। CMO डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि हमीरपुर में अभी कोरोना के 305 मामले आए हैं, जिनमें रिकवरी रेट काफी अच्छा है और लगभग 92% रिकवरी रेट पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिला में 305 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उनमें से 283 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने सर्विलेंस टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, वे सभी लोग बाहर से ही आए थे, जिसमें किसी भी प्रकार के कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, जिसका पूरा क्रेडिट सर्विलेंस टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार अभी तक 16,233 सैंपल ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अगला कदम रहेगा कि सैंपलिंग लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज्यादा सैंपलिंग लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी, उतने ही ज्यादा केस देखने को मिलेंगे। स्वारघाट में रसायन से भरपूर हरी सब्जी की वजह से एक महिला मौत के मुंह में जाते जाते बची है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वारघाट की, जहाँ पर एक महिला ने बाजार से सुंदर से दिख रही एक लौकी को बाजार से लाया और उसका जूस निकाल कर पी लिया, क्योंकि महिला पहले भी लौकी का जूस पीती रही थी और इस तरह लौकी घर ले जाकर लौकी का जूस बनाया और पी लिया। लेकिन महिला को बेहद कड़वा तथा अजीब लगा और थोड़ी देर बाद महिला की तबीयत खराब होने लगी। लेकिन महिला ने जैसे तैसे जूस को निगल लिया, लेकिन महिला की तबीयत खराब होती गई तथा उसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। महिला को PHC स्वारघाट पहुंचाया गया, जहां पर उसकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उस महिला को नालागढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 दिन के चले इलाज के बाद चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बाद कहीं जाकर महिला की जान बच पाई। चिकित्सकों के अनुसार लौकी पर अधिक रसायन युक्त छिड़काव होने से लौकी जहरीली हो गई थी, जिससे महिला को फूड पॉइजनिंग हो गया था और वो महिला के शरीर पर ज्यादा फैल गया, जिस कारण महिला की तबीयत बिगड़ती गई। अगर कहीं थोड़ी चूक हो गई होती तो महिला की जान जा सकती थी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में दवाई का छिड़काव न करें और छिड़काव की हुई सब्जियों को
तीन से पाँच दिनों तक इस्तेमाल ना करें। उन्होंने बताया कि सब्जियों को काट कर नमक वाले पानी में धो लें ताकि सब्जियों में किया हुआ दवाइयों का छिड़काव खत्म हो सके और फूड पॉइजनिंग ना हो सके। देखो सर, जो ये जो रासायनिक जो हमारी दवाइयाँ जो सब्जियों पर हम स्प्रे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि सेफ वजन भी है, बट इसमें हम प्रिकॉशन रखना चाहते हैं। प्रिकॉशन मतलब जब आप स्प्रे करते हैं किसी सब्जी पर, जैसे करेले, घिया, तोरी, जो भी है, तो कम से कम आप 5-7 दिन तक तो जो है वो उसका आपने प्रयोग नहीं करना है। और जब आप उसका 5-7 दिन स्प्रे करने के बाद, ज़्यादातर कम से कम 3 दिन तो नहीं करना है, तो जब 5-7 दिन बाद आप उसको सब्जी प्रयोग में लाएंगे, तो उसको आप अच्छी तरह नमक मिला के उनको धो लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो कई बार ऐसा होता है कि ताज़ा स्प्रे लोग करते हैं और दूसरे दिन या उसी दिन जो है उसके यूज़ कर लेते हैं खाने के लिए, तो उसमें फूड पॉइजनिंग का डर रहता है,